मनीला से एशियन बैंक के थ्रू होता है। सूबाई हुकूमत का मेरा सिर्फ काम था इसका प्रोग्रेस देखना, हम प्रोग्रेस देखते रहे, बाकी कोई इख्तियार नहीं। पीडीए के पास सिर्फ फाइनल चेक आता है जो वो पे करता है, बाकी सूबाई हुकूमत का कोई काम नहीं। तो आप लोगों को तो मालूम तो करना चाहिए ये कौन चला रहा है, सूबाई हुकूमत का इसमें दखल है ही नहीं। ना हमने टेंडर किए, ना हमने कंसल्टेंट हायर किए, ना हम पेमेंट करते हैं। तो अजीब सा है कि आप जितने आप लोग हैं कमरों से निकले हैं, ज़रा मालूमात करें, बाखबर रहें। तनकीद करना आसान है, मुझे जवाब हर चीज़ का आता है। अल्लाह ताला ने मुझे जो अता की है, इन चोरों की बातों पे मैं नहीं आता क्योंकि इन्होंने कुछ पैसे लिए होंगे। प्लीज़ ये आइंदा ना करें। होने जा रहे हैं, हुकूमत की तैयारी क्या है? और बताया जा रहा है कि जहांगीर तरीन साहब को दोबारा पंजाब में उम्मीदवारों की जिम्मेदारी सौंप दी गई। नहीं नहीं, ये गलत, आप गलत बातें, गलत प्रोपेगेंडे करते हैं। जहांगीर तरीन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, हमारे ऑलरेडी नंबर पूरे हैं, हमें कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी। अगर कोई और करेगा उनके मुँह क्या, उसको मुँह तोड़ जवाब देंगे। इंशाल्लाह हम जब होंगे कोई भी हमसे सीट नहीं जा सकता। खटक साहब ये बताएं, खटक साहब पीडीएम को मनाने के लिए, पीडीएम को मनाने के लिए आपने कई कोशिशें की लेकिन आप ना मना सके, आपकी की तरसंग जी आज तक पीडीएम के मनाने के लिए हमने एक कदम भी नहीं लिया। ना हम उनको मनाना चाहते हैं, ना हमने कभी कोशिश की, क्योंकि वो झूठ के प्रोपेगेंडे पर निकले, वो अपने आप को बचाने के लिए निकले। तो हम तो इन चोरों के खिलाफ आए, इमरान खान का एजेंडा इन चोरों के खिलाफ था। अल्लाह का शुक्र इकट्ठे हो गए, इकट्ठे ही मरेंगे। थैंक यू, शुक्रिया जी। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक पेशावर में मीडिया से